तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं अपनी नानी के गांव में आया हूँ, तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलने वाला है मुझे, वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए कितना हरा भरा यहाँ हो रखा है, आपको देखने को मिलेगा। तो भाई, इस बार तो नानी ने कई चीज़ें उगाई है। वैसे देखिए यहाँ पे कितने अच्छे फ्लावर्स लगे हैं, ये देखिए आप, ये देखिए आप, कितना सुंदर लग रहा है, पूरा हरा भरा नज़ारा है पूरा। देखिए आप, बैंगन लगे हैं, बैंगन का पेड़ है, ये हो गया आपके लौकी का पेड़, और पीछे हो गया आपका ये पूरा, मतलब की बात करो तो अरवी वगैरह लगाई गई है पीछे, और यहाँ पे कुछ मुंगरी के पेड़ है। मुंगरी के मैं आपको और पेड़ भी दिखाऊंगा, और ये जो है कद्दू की बेल है। चले मैं आपको उस साइड लेके चलता हूँ, तो वहाँ पे क्या क्या लगा है देखो। यहाँ पे कद्दू लगाए, देखिए ये देख रहा होगा आपको, वैसे ये कद्दू ही रहे ना, देख सकते। मैं आपको उस साइड ले जाता हूँ, तो उस साइड क्या क्या लगे हैं। लाल मिर्च हो गई देखो, ये देखिए हरी मिर्च हो गई, और यहाँ पे लाल मिर्च भी आपको देखने को मिलेगी। बाकी ये सेमी है, सेमी की बेल आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे चलता हूँ मैं, ओ ब्लॉग के इस माध्यम से आपको दिखाना चाहता हूँ थोड़ा। देखिए मैं पहुंच गया यहाँ पे, तो ये जितना भी आपको देखने को मिलेगा ये सारा, तो ये नानी की मूंगरी लगा रखी है यहाँ पे, और ये है नानी ने मिर्च लगाई यहाँ पे थोड़ा बहुत, और ये है फ्लावर्स, वो नानी है मेरे वहाँ पे खड़े हो रखे, और ये क्या चाहिए, गुदड़ी चाहिए, गुदड़ी गुदड़ी है, और ये वो है गुदड़ी, लौकी लौकी की बेल लगा रखी है वहाँ पे। बाकी जो नीचे वाला खेत है वहाँ पे नानी ने तिल तिल बोत रखे हैं, तिल के बड़े बड़े पेड़ वहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। अच्छा, मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था, अभी बोलता हूँ। हाँ, इसके पीछे दूसरी नानी का घर है, तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। नानी आ गई खेत में, मिर्च निकाल रहे नानी मेरे लिए, तो यहाँ से लेके जाऊँगा मैं। बाकी पूरा का पीछे का अभी मैं अपनी दूसरी नानी के घर के बगल पे आया हूँ, तो ये देखिए पुराना मकान है ये भी, और ये भी टूटा फूटा पुराना मकान है, और यहाँ पे इनके खेत भी है, दिखा देता हूँ। ये देखिए दूसरी नानी के पेड़ लौकी लगी है वहाँ पे, जो भी चीज़ें हैं सब्जी वगैरह, अमरूद का पेड़ है, अमरूद खा के ही जाऊँगा आज तो। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जैसे हम बोलते हैं ना, तो स्टार्टिंग में जब बोलता था तो बहुत हेजिटेशन हॉपलेसिंग होती थी, और डर लगता था, इन लफ्ज़ों से जन बड़ा खबेस है लगने, डर जाता था बिल्कुल, कैमरा को फेस नहीं कर पाता था। अब जो मेरी धीरे धीरे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुए कि, और अब बोलने लग जाता हूँ, अब कोई काइन मास्टर का यूज़ नहीं करता हूँ, बस खाली म्यूज़िक डालने के लिए, बाकी जो वॉइस होती है वो चलती रहती है, कोई कटिंग नहीं वीडियो में, तो ये चीज़ होती है। अच्छा,
अब रहा है एक चीज़ कि जो भी मैंने अभी आपको दिखाया तो एक इनका पूरा शॉट ले लेते हैं और एक स्टार्टिंग में लगा दूँगा कि जो भी चीज़ें हैं सब्जी वगैरह जो भी हुआ है यहाँ पे, तो उसकी मैं आपको पूरा एक वीडियो दे देता हूँ। वैसे इंस्टाग्राम पे वीडियो भी आएगी, तो इंस्टाग्राम जो फ्रेंड है उनको ये कहूँगा कि एक ब्लॉग चैनल है अपना यूट्यूब पे पहाड़ी कलाकार 7 के नाम से, और उसमें पहाड़ से रिलेटेड चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो कहने का मतलब था कि यार उसका भी काम नहीं कर पा रहा हूँ, बीएड भी चल रहा है और तैयारी भी कर रहा हूँ, तो ब्लॉग इतने नहीं बना पा रहा हूँ और एडिटिंग भी नहीं कर पाता हूँ, फिर टाइम नहीं है इतना, और आने वाला जो टाइम होगा उसमें ज़रूर करेंगे, इतने ज़्यादा मेहनत भी करते रहेंगे। तो अभी मैं आपको एक शॉट दे देता हूँ पूरा अच्छा व्यू का, दिखा देता हूँ क्या क्या सब्जियाँ हुई। क्या कर रहा हूँ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए आप मूंगफली और नींबू घिस घिस के लगाने पे लगाऊँ, यही चीज़ें होती है यार गाँव में ना, मतलब इनको खाने का मज़ा कुछ और ही है। अब पलायन का कारण क्या होता है ना, जैसे अब पलायन का कारण है तो सुविधाएं नहीं है, तो भाई गांव की जो ज़िंदगी है ना वो जन्नत है सीरियस, तो सारी चीज़ें ताज़ा मिलती हैं अगर हम उगाए, तो कारण यही है कि पलायन क्यों हो रहे हैं, सुविधाएँ नहीं हैं ना, अगर सुविधाएं हो गाँव में तो क्यों। चलिए तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और ब्लॉग तो अभी बना नहीं पा रहे, ये कारण यही है कि पढ़ाई चल रही है, साथ में एक दूसरा चैनल पे भी पढ़ाना पड़ रहा है आज को, तो जैसे ख़त्म होता है फिर देखते हैं क्या करना है, ब्लॉग आते रहेंगे उत्तराखंड। तो इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त करते हैं, जय हिंद जय उत्तराखंड, बाय बाय।